तो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं विकिपीडिया के ऑर्गेनाइजर्स, मेंटर्स कह सकते हैं हम, तो हम उनसे जानेंगे विकिपीडिया के बारे में। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहूँ। आई एम डॉक्टर मानवप्रीत कौर। मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विकिपीडिया होते क्या है और इसका मेन फंक्शंस क्या होता है। ओके, तो विकिमीडिया फाउंडेशन के काफ़ी सारे सिस्टर प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। इट इज़ बेसिकली एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हो। और वैसे इंग्लिश के बारे में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे इसलिए ये बताने आए हैं कि हम लोग 24 इंडिक लैंग्वेजेस में भी विकिपीडिया पे काम करते हैं। और बेसिकली हमारा एक ही मोटिव है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरेट करें जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैम, अभी यहाँ पे दो सेक्शन में बटा हुआ है, एक ग्राफिक और दूसरा कंटेंट राइटिंग। विकिपीडिया दो सेक्शन, एक ग्राफिक है, एक कंटेंट राइटिंग है। तो इसका मतलब मेन मोटिव क्या है इसका दो अलग सेक्शन में बांटने का? देखिए, इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो किसी भी फॉर्म में आप शेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपको वो एक रिटन फॉर्मेट में ही चाहिए। तो ग्राफिक ट्रेनिंग इज़ फॉर द स्टूडेंट्स जो डिज़ाइनिंग जिनके करिकुलम का पार्ट है, और वो रिप्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। सी, हर कोई लिखने में अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, वो इस ट्रेनिंग की हेल्प से हमारे लिए डेमोन्स्ट्रेशंस किसी भी एक चीज़ के बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और जो कंटेंट राइटिंग में अच्छे होंगे, वो आर्टिकल क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने इसको दो ट्रेनिंग्स में डिवाइड किया था। अच्छा, तो मैम, बच्चों में कितना जोश दिख रहा है, गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट खुसूसन, यहाँ के बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है और कितना जोश उमंग से करने की कोशिश कर रहे हैं? सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इवेंट जहाँ पे हम लोग इस तरीके से इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को पार्टनरशिप करा रहे हैं। अभी तक जितने भी हमने काम किए थे, वो अपने पर्सनल स्टूडेंट्स के साथ किए थे। जैसे अगर कोई टीचर है, तो अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ हमने काम किया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम कहीं बाहर आए थे, एंड ऑब्वियसली वी हैड सम सॉर्ट्स ऑफ डाउट्स यहाँ पे आने से पहले, बट वी आर रियली सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड, मतलब स्पेशली बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन दिस ग्राफिक ट्रेनिंग, राइट? तो हम लोग अगर ए बी पे चल रहे हैं, तो स्टूडेंट सी पे पहले पहुँचने के लिए रेडी थे, एंड बहुत सारा इंटरेस्ट था। दे वर लाइक 40 प्लस स्टूडेंट्स इन आवर ट्रेनिंग, और आज सुबह भी 10 से ज़्यादा बच्चे आए एडिशनल टू दोज 40, एंड दे वर रियली एक्साइटेड, और हॉस्टल में एक्स्ट्रा काम करके आए थे। सो वी रियली सरप्राइज विद ऑल दिस एनर्जी एंड एंथुजियाज्म टू वर्क ऑन विकी, और जिस तरीके से वो क्वालिटी वर्क कर रहे हैं और जिस स्पीड पे वो सीख रहे हैं। We are really looking forward to starting a club soon here and maybe doing many more events in future. तो मैम, स्टूडेंट के फ्यूचर्स को नर्चर करने के लिए विकिपीडिया किस तरह से हेल्प करेगा? सी, विकिपीडिया पे आप सिर्फ कंटेंट नहीं क्रिएट करते हो, ये कंटेंट एक्चुअली टू द रीडर्स हेल्पफुल होता है, जिनके पास, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उनके लिए इन्फॉर्मेशन ही क्रिएट कर रहे हो, प्लस आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो। सी, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एन ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, और उसके ऊपर जब सारे ग्लोबल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो एडिटर्स हैं वो कहीं पर भी से भी एडिट कर सकते हैं, तो एक ही जगह पे जब डिफरेंट जगह से लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें मल्टीपल ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक मास मूवमेंट नॉलेज के लिए बनती है, प्लस देन देयर आर ऑलवेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, यू अंडरस्टैंड हाउ टू अग्री टू डिसअग्री, ये आप सीखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वमेंट जैसी चीज़ें आप सीखते हैं, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल मूवमेंट जो इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा से चल रहा है, और क्या क्या एडवांसमेंट्स एजुकेशन में आ रही हैं ग्लोबली, तो आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लास्ट मैम, हमारे ऑडियंस जितने भी हैं या हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहें? ओके, मैं उनको कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आप लोगों ने पार्ट लिया है विकिपीडिया में, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग वन क्लब हियर विद द हेल्प ऑफ द विकिमीडियंस एंड द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। और मैं ये चाहूँगी कि अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, थोड़ा कीजिए। अगर आप आर्टिकल नहीं लिख सकते, एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूट अ लाइन और एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू एन एग्जिस्टिंग आर्टिकल, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, because we never evaluate you on the basis of the amount of contribution you're doing, but on the basis of quality of contribution you're making. So is movement ko aage badhane mein help karo, expansion of knowledge mein. Yes. Thank you ma'am. To abhi mere sath baat kar rahe the Wikipedia ke organizers, to yahan aake unhe kafi excited feel ho raha hai aur bahut kuch seekhne ko mil raha hai bachchon ko. To isi ke sath video journalist Rahul Sharma ke sath Mohammad Musa, Gulzar Group of Institute. Subscribe my YouTube channel Kargil Express News. Keep watching Kargil Express News. Like, share and comment.